Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Asi, सच सच बताओ, तुम लोग कुछ छुपा रहे हो? मैं तो तुम्हें बस यही बता सकती हूँ डेफने के, अगर फसल बुरी हुई तो बुरा होगा। तुम्हारी बीवी को पैसे चाहिए हो तो वो बर्तन ही बेचेगी, और कर भी क्या सकती है। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। बिल्कुल भी नहीं, बोले। मैं पैदा हुआ था इस घर में। खुशी होगी अगर खुश्क हो गया उतरिया ऐसी तो, मगर ये भी सच है कि माजी को बदला नहीं जा सकता। क्या ख्याल है तमीर भाई, करीम भाई, आप मेरी नवासी की दावत कबूल करना पसंद करेंगे? जी जरूर। आसी, आसी है उसका नाम। सब कुछ बस थोड़ी देर के लिए हुआ, फिर सब कुछ खत्म हो गया एकदम। मेरी जान, अच्छा हुआ कि वो आदमी यहाँ का नहीं था। और यह है इसकी खाला, सुहेला नाम है इसका। कैसे हैं एहसान भाई? आपकी तस्वीरें तैयार हैं, बच्चे को भेजा है मैंने, आता ही होगा। जल्दी नहीं है मुझे नवाज। जो तस्वीर मैं तलाश कर रहा था वो देखो, वहाँ काउंटर पर रखी, देखी आपने? हाँ देख ली है। काफी साल पहले खींची थी मैंने। एक बात और है एहसान भाई, उस वक्त पैसे ना होने की वजह से ये तस्वीरें नहीं ले सके होंगे। लिफाफे पे लिखा है अदायगी नहीं हुई। किसे चाहिए ये फोटोग्राफ? ये है वो बच्चा, बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, सुना है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तस्वीरों को सुनकर बहुत इसका मतलब है बहुत खुशकिस्मत है वो। ऐसा ही है, वो बहुत नेक आदत का लगता है मुझे। ये उसकी वालिदा हैं, ये देखो। और ये है इसकी खाला, सुहेला नाम है इसका। सावन होटल के पास ठहरा हुआ है, फोन पर बच्चों की तरह खुश हो रहा था। जिंदगी यही है एहसान भाई, यहाँ आने का उसने कभी सोचा भी ना होगा। मेरी फोटोग्राफ्स तैयार है ना? जी तैयार है बिल्कुल।
अमीर वो देखो, ये वही लड़की है ना जिसकी तुमने जान बचाई थी? हाँ शायद। अमीर ये क्या कर रही है यहाँ पे? किसी का इंतजार कर रही है शायद। यार अमीर कैसे आदमी हो, पूछ लो, शायद फार्म की तरफ जाना हो उसने। सोच क्या रहे हो, हो सकता है। अगर आपने उस तरफ जाना हो तो वो मैं चली जाऊंगी किसी के साथ। इंतजार करने की क्या जरूरत है, प्लीज। कुछ सामान भी है साथ में। क्या हम आपको याद हैं? याद हैं आप। वैसे उस दिन जो हुआ वो भुलाया नहीं जा सकता। अब ठीक है ना आप? हाँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप जिसके इंतजार कर रही थी, अगर वो आपको लेने ना आता तो आप क्या करती? तो फिर मैं खुद ही वापस चली जाती। तो काम करती हो तुम वहां फार्म पर? जी। वो तो काफी बड़ी जमीन है, आपका काम काफी मुश्किल होगा। हाँ मगर मेरे साथ और भी मजदूर हैं काम करने के लिए। देखा था मैंने, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर और सभी गा रहे थे। दरअसल स्प्रे का काम खत्म हुआ था, जब ही खुश थे सारे। तो दरियाए आसी से मुतासिर होकर रखा है ये नाम? नहीं, मेरी दादी का था ये नाम, आसिया। मगर आसिया के नाम से कोई आपको नहीं पुकारता। मे बी, आसी ज्यादा सूट करता है मुझे। उस दिन दरियाए आसी ही जान ले लेता आपकी। मौत से नहीं डरती मैं हुसैन, अगर उसको कुछ भी हो जाता तो माफ नहीं कर पाती मैं खुद को। और हाँ, दरियाए आसी कभी जान नहीं ले सकता किसी की। और अगर कोई खुद को उसके हवाले करके सुकून हासिल करना चाहे तो? ये सुकून नहीं, बुजदली है। और कितनी दूर है जहां आपने जाना है? बस पहुंच ही गए हैं, यहां से थोड़ी दूर ही है। रुकोगे दमीर? इनके साथ हमारा सफर यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच, कोई जरूरत नहीं, बाय। क्या फर्क पड़ता है? हम उसे फार्म के पास भी तो छोड़ सकते थे यार। कोई शोफर वोफर नहीं हूं मैं उसका करीब। और तुम? कुछ नहीं। सुना नहीं कह रही थी जान नहीं ले सकता दरिया आसी? देख लिया कितनी अच्छी तरह, शुक्रिया किया। इंसान नहीं देखा कभी, पता नहीं क्या समझता है खुद को। मेरा दिल तो चाह रहा है चोट खाकर मार दूं जाकर उसके सर पर। बाबा, बाबा, ईशान भाई। खैर होगी इंशाल्लाह। ईशान भाई, एक बुरी खबर है आपके लिए। बिल्कुल भी हार नहीं माननी हमें, जरा
सोचिए मैं कहाँ जाऊंगी। यूसुफ आगा, चोर नहीं हूं मैं। वही जगह है ये। मैंने कहा भी था मेरा इंतजार करना। कौन थे वो? फातिमा, तमाम चीजें तैयार है ना? बिल्कुल मिसेज नरीमन। हाँ। अब मैं सब चीजें टेबल पर लगाना शुरू करती हूँ। उफ, कहाँ रहेगा ये लोग, हमेशा ही ऐसा करते हैं ये लोग। आ गए वो लोग। बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। तो क्या वापस चलें फिर? खुशामदीद बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। आप कैसी? मैं भी ठीक हूँ। तुम ठीक हो? आओ अंदर चलते। एकदम गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतार दिया मुझे। तुम किसकी बात कर रही हो? बहुत अजीब है। कौन? इससे ज्यादा अजीब इंसान नहीं देखा कभी। पता नहीं क्या समझता है खुद को। अब आ भी जाओ। आ रही हूँ मैं। आसिया, ऊपर चलते। मेरा दिल तो चाह रहा है ट्रे उठाकर मार दूं जाकर उसके सर पर। किसके सर को तुम्हें ट्रे से जाकर मारना है? बुलाया है जिसे, दमीर और क्या। इसने जान बचाई थी तुम्हारी, करीम के साथ जो बैठा है। हाँ? ओ। सुबह कदरे जल्दी से खेतों को पानी देना, मगर बहुत ख्याल से। मैं ख्याल रख रहा हूँ एहसान भाई, बस अब स्प्रे अपना काम कर जाए। ओके ईशब, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। इस वक्त एक एक दिन बहुत कीमती। आप जाएं मेहमानों से मुलाकात करें। और ये भी हमारे सर पर सवार हैं, बाकी मुश्किलात की तरह। आह निरे माँ, आह नहीं जाऊंगा तो एक और मसला। चलें छोड़ें, आप जाएं। बाबा बाबा, ईशान भाई। खैर होगी इंशाल्लाह। ईशान भाई, एक बुरी खबर है आपके लिए, दवाई ने काम नहीं किया। आ जाओ अकेश, अगर फसल तबाह हुई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कुछ गड़बड़ है, मैं जाकर देखती हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह। अंताकिया कैसे आना? बहुत अच्छी, काफी खूबसूरत है। थैंक यू। क्यों नहीं, तो बहुत ही अच्छा। जरूर चलेंगे। बिल्कुल रिपोर्ट लग रहा है। देखो हाथों नहीं गए। नहीं मैम, फिर भी जाकर देखती हूँ। आओगी ना तुम? चलेंगे किसी दिन रेस्टोरेंट चलके खाना खाएंगे। लॉन्ग ड्राइव का शौक है तुम्हें? मुझे भी अकेले बहुत अच्छा लगता है। लॉन्ग ड्राइव्स, ब्यूटीफुल रोड्स, चलेंगे किसी दिन साथ। Thank you.
पापा, बिल्कुल भी हार नहीं माननी हमें। खाना बहुत ही मजे का था। एक तो अम्मी खाना मजे का पकाती हैं और ऊपर से मेहमान नवाजी का भी नहीं बहुत शौक है। सॉरी, आते होंगे तुम्हारे अंदर। नहीं, कोई मसला नहीं है, बहुत शुक्रिया। हैंडसम है मगर बहुत अजीब है, देखो तो। और क्या मसरूफियात है? मुझ पर ये इल्जाम मत लगाएं, जरा सोचिए मैं कहां जाऊंगी। यूसुफ आगा, चोर नहीं हूं मैं। आप ये इल्जाम मत लगाएं, मैं कहां जाऊंगी अपने बच्चों को लेकर। यूसुफ आगा, रहम करें मुझ पर। वही जगह है ये। कैसे हो? ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं। यानी मुझे तुमसे मिलने फार्म पे आना पड़ेगा? तो मुझे इंतजार रहेगा। आसी है। ठीक कर लो ना,
सब ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओ ना यार।